आपका स्वागत है। आज हम बिना रसोई में बनाने जा रहे हैं गुजरात की अत्यधिक फेमस डिश बेसन का खमन ढोकला। बेसन का खमन ढोकला एक लाइट स्नैक्स है। इसको आप हल्की भूख में भी बनाकर खा सकते हैं। ये एक बिना ऑयल का व्यंजन है। आइए चलिए चलते हैं रीना रसोई में खमन ढोकला बनाने। ढोकला बनाने की सामग्री: 3 बड़ी चम्मच सूजी, 1 कप फिटा हुआ दही, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, 2 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 से 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 कटोरी बेसन, 1 चम्मच फ्रूट साल्ट या इनो, 2 चम्मच ऑयल, 2 सूखे मिर्चे, 1 पिंच हींग, 1 चम्मच सरसों दाना, 8-10 करी लीव, 1 कप पानी छौंक के लिए। एक बॉल लेंगे, उसमें हम बेसन लेंगे, 1 कटोरी फिटा हुआ दही डालेंगे, 3 बड़ी चम्मच सूजी डालेंगे, 1 अदरक का पेस्ट, 1 नींबू का रस, हल्दी, 1 चम्मच शक्कर इसमें डालेंगे, 1 चम्मच शक्कर बचाकर छौंक में डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। सब चीज को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालिए। इसका पेस्ट ना ज़्यादा गाढ़ा बनता है ना ज़्यादा पतला, इस तरह से बनता है। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाकर हम 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी के गर्म होते ही उसमें हम एक स्टैंड रखेंगे जिस पर हम ढोकला का बर्तन रखेंगे। हमारा बैटर फूल कर तैयार हो गया है। अब हम जिसमें हमको ढोकला बनाना है उसमें ऑयल लगाएंगे। चारों तरफ ऑयल अच्छे से लगाएंगे जिसमें कि हमारा ढोकला आसानी से निकल आए। अब हम बैटर में 1 चम्मच इनो डालेंगे। इनो हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। इनो डालकर तुरंत हमको बर्तन में बैटर को डालना है। इनो डालकर हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। बैटर को बर्तन में डालकर हल्का सा टैप करेंगे। पानी खोलकर तैयार हो गया है। इसको हम उसमें रख देंगे। 20 मिनट के लिए इसको ढककर रखेंगे। 15 मिनट पर इसको हम चेक करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। इसको अब हम खोलकर चेक करेंगे। चेक करने के लिए चाकू इसमें डालकर देखेंगे। चाकू अगर हमारा सूखा निकला है तो इसके मतलब हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। अब हम चाकू को अच्छी तरह से चारों तरफ घुमाएंगे जिससे कि हमारा ढोकला आसानी से निकल आए। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे। प्लेट को ढककर इस तरह से टैप करेंगे जिससे कि हमारा ढोकला आसानी से बाहर आ जाएगा। हमारा ढोकला कितना स्पंजी बना है ये देखिए। अब हम इसके पीसेस करेंगे।
पीसेस आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ढोकला पे छौंक लगाने के लिए हमारा तेल गरम हो गया है। इसमें हम सरसों के दाना डालेंगे, हींग डालेंगे, 2 सूखे मिर्चे डालेंगे। आप इसमें हरे मिर्चे का भी प्रयोग कर सकते हैं। सरसों के थोड़ा क्रिकल हो जाने पर हम इसमें 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। अब सरसों हमारी क्रिकल हो गई है, अब शक्कर डालेंगे, करी लीव्स डालेंगे, 1 कप पानी। सब चीज को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हमारा छौंका बनकर तैयार हो गया है। गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम छौंके को ढोकले के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से डालेंगे। अब इसके पीसेस निकाल कर हम प्लेटिंग करेंगे। ढोकले इस तरह से स्पंजी बनने चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा ढोकला पसंद आया होगा। मेरी रेसिपी को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको जरूर करिएगा। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।